दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी के कारण राज्य में नवरात्रि नहीं मनाने का फैसला किया है। हालांकि पूजा आरती और अन्य धार्मिक गतिविधियां कोविड 19 की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जारी रखी जा सकती हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नवरात्रि का आयुर्वेद में भी विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान लोगों में महामारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अहमदाबाद स्थित लोक आयुर्वेदा संस्थान ने नवरात्रि में आयुर्वेद के महत्व का प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया है। देश के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हितेश जानी ने आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में प्रथम नवरात्र का आयुर्वेद में महत्व इस प्रकार बताया। प्रथमम शैलपुत्रीम नमः। तो शैलपुत्री माता जी का भी नाम है, लेकिन शैलपुत्री हरड़ को भी कहते हैं। हरड़ जिसको संस्कृत में हम हरितकी कहते हैं, इसका एक नाम पथ्या भी है, रसायन है। तो वो हमारी एनर्जी बनाए रखती है, इम्यूनिटी बनाए रखती है। बालक से लेके वृद्ध सभी के लिए उपयुक्त है, और स्किन के लिए अच्छा है, महिलाओं के बालों के लिए अच्छा है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।